हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है ऑफिशियल भूतियागिरी सीजन 3। तो यार आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपको इसके दो प्रीवियस सीजन देखना है तो आपको कहीं नहीं, बस एमएक्स प्लेयर बीटा पर ही जाना, जहां पर आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि तीनों ही सीजन में आपको ज्यादा एपिसोड देखने को नहीं मिलते, सिर्फ पांच पांच एपिसोड देखने को मिलते, जिसके हर एक एपिसोड की लाइन 19 मिनट से लेकर 25 मिनट के बीच में। खैर, यहां पर मैं आपको तीनों सीजन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि आप लोगों को ये सीरीज देखनी है या नहीं देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ ही जो बेल आइकन उसमें जो ऊपर का ऑप्शन है ना ऑल का, उसे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सीजन 1 में हमें नजर आते शनि कौशल और सुमित व्यास। अभी शनि कौशल, जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, वो विक्की कौशल के भाई है। उनको आपने इस सीरीज आई थी द फॉरगॉटन आर्मी, उसमें भी देखा होगा। उसके अलावा अक्षय कुमार की मूवी आई थी गोल्ड, उसमें भी वो हमें नजर आए थे। हनी शुरुआती स्पंदन चुकिया यानी कि सनी कौशल से, जो कि छोटे शहर से आते मुंबई जैसे बड़े शहर में बड़े सपने लेकर, वो एज ए इंटर्न कंपनी में ज्वाइन भी होते हैं जिस कंपनी का नाम होता है द एनालॉग, और वो कंपनी के बॉस होते हैं सुमित व्यास यानी कि दिलावर राणा। फिर उस ऑफिस को स्पंदन ज्वाइन तो कर लेते, लेकिन उसके बाद उस ऑफिस में किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है और किस तरह से वो खुद को एज अ परमानेंट स्टाफ वहां का बनाते, बेसिकली यही सीरीज की कहानी थी। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सीरीज चाहे वो तीनों सीजन हो, ये यूथ को नजर में रखकर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी, अच्छा मैसेज देखने को मिलेगा, बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलेगी, कुछ इमोशनल सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे, उसके अलावा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हालांकि सनी कौशल हमें सिर्फ सीजन 1 में ही नजर आते हैं, उसके अलावा सीजन 2 में उनका थोड़ा सा काम है। खैर, अब बात करते हैं सीजन 2 की। तो देखिए, सीजन 1 में जहां पे हमें पूरी की पूरी कहानी एक एम्प्लॉय की नजरिए से बताई गई थी, तो वहीं पे सीजन 2 की कहानी हमें पूरी बॉस के नजरिए से बताई, यानी कि जहां पर सीजन 1 में सुमित व्यास का एक छोटा सा रोल था, वही यहां पर सुमित व्यास का एक मेजर रोल है, यानी कि पूरी की पूरी सीजन 2 में आपको वही नजर आता है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर जो प्ले कर रही आना कुमारा, उसका भी इस सीरीज में इम्पोर्टेंट रोल है। खैर, यहाँ पर उनको किसी भी तरीके से अपने ऑफिस को बचाना, और आपने कहावत सुनी होगी घर का बेटी लंका था, कुछ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये पूरे सीजन 2 को बनाया गया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर चीजें किसी तरह से सुमित व्यास ठीक तो कर लेते, लेकिन सीजन 2 के एंड होने तक वो एक और मुसीबत में पड़ जाते, यानी कि उनके ऊपर एक फ्रॉड का एलिगेशन लग जाता है, और उसी वजह से वो जेल चले जाते हैं। अब इसके बाद सीजन 3 की शुरुआत होती है कि अब वो जेल से निकल चुके, अब उनको निकाले उन्हीं के पेरेंट्स ने, लेकिन एक शर्त पे कि अगर तुमको दोबारा से जेल नहीं जाना तो तुमको हमारी राणा हेरिटेज जो होटल है उसको फिर से पॉपुलर करना पड़ेगा, फिर से प्रॉफिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी लॉस में जा रही है। अब सुमित व्यास यानी कि दिलावर राणा के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं, तो वो किसी भी तरीके से मान तो जाता है, लेकिन उसके बाद उस होटल में जाने के बाद उसकी लाइफ किस तरह से बदलती है और क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो देखिए, मैंने इसका सीजन 1 आज देखा, सीजन 2 भी आज देखा, और सीजन 3 भी आज देखा, और तीनों मैंने एक ही दिन में खत्म किया। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये सीरीज को लेकर कहीं से भी बोर हो गए नहीं। उसके अलावा मैं सीरीज के कैरेक्टर की बात करूं, तो यार स्पंदन चुकिया जो कि सीजन 1 में नजर आया था, वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जिससे हर एक इंसान रिलेट करेगा, मतलब उसके साथ जो जो चीजें सीजन 1 में बताई है ना, वो हर एक जो बंदा जॉब करता है ना, उसके साथ कभी ना कभी वो सारी चीजें हुई है, और वो खुद को रिलेट करेगा स्पंदन चुकिया से। उसके अलावा मैं सुमित व्यास जो बॉस का रोल प्ले कर रहा है, उनका जो कैरेक्टर दिलावर राणा, वो कैरेक्टर से बहुत सारे बॉस लोग रिलेट कर पाएंगे, और वो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे जिनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी कि एक तरीके की बीमारी होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान खुद को भीड़ वाली जगह पे लेकर नहीं जा पाता है, मतलब वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता, तो कुछ इसी तरीके की बीमारी होती है सुमित व्यास यानी कि दिलावर राणा को। उसके अलावा इस सीरीज के दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूं, यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो आपको इरिटेट भी करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, जैसे कि कैश, सीजन 2 में उसकी एंट्री होती है, लेकिन सीजन 2 और सीजन 3 में उसने कॉमेडी भी किया, कहीं कहीं जगह पर आपको इरिटेट भी करता है। उसके अलावा आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि तीनों सीजन के लिए कहीं पे भी लॉजिक, मतलब लॉजिक या घरे की गाड़ में, अगर आपको एंटरटेन होना, अगर आपको एक ऐसी सीरीज देखना है जो आपको थ्रू आउट में एंटरटेन करे, थोड़ा सा हंसाया, थोड़ा सा इमोशनल करे, थोड़ा सा डराए, तो आपको सीजन 3 ऑफ ऑफिशियल भूतियागिरी देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो तो आप प्रीवियस के दो सीजन देखो, अगर आप नहीं भी चाहते तो कोई मसला नहीं, आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी रेफरेंस देखने को नहीं मिल जाएगा जो आपने पहले के दो सीजन में देखे हो। तो सीधे शब्दों में बोलूं तो अगर आपको सीजन 3 डायरेक्टली देखना तो आप सीजन 3 भी देख सकते हो, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से अगर आपको रिजेक्ट जैसी बकवास सीरीज देखना तो उससे अच्छा आप ये सीरीज देख लो, जो कि आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी, वो भी एमएक्स प्लेयर पे, और ज्यादा एपिसोड्स है नहीं। यार बस यार इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दिल जान दुआ में याद रखना। मैं हूँ राशि शेख और आप सब है आपके अपने ही चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। तो प्लीज यार इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और बस चैनल को हमेशा सपोर्ट बनाए रखो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दिल जान।